हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 23वां दिन है हमारे चिक्स का और मैं लाइव वेट करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा एक बार वेट कर लेता हूँ जो हमारे चिक्स हैं। ये बाइक ले लीजिए आप और एक मुर्गा पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसका वेट करना है। तो मशीन है ये मेरे पास, ये देखिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ। मैंने ये ऑन कर दिया, मैंने ज़ीरो हो जाए, उसके बाद जो है ये ज़ीरो हो गया। पकड़ लीजिए, कोई भी पकड़ लीजिए, अरे आराम से आराम से। लाइए हम पकड़ लें इसको, बहुत बहुत ये कितना हो रहा है, ये 1200 ग्राम है, 1205 ग्राम है और 105 ग्राम जो है इसका झूले का वेट है, 105 ग्राम। तो ये इसका मतलब ये 1100 ग्राम हुआ है इसका वजन 23वें दिन। एक और मुर्गे का करिएगा, इसको निकाल दीजिए, एक और चिक्स का करिएगा, ये एक और पकड़ लिया है, अब होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जीरो हो गया ये है ना। अरे नहीं हुआ जी, ये 12 पे अटका हुआ है ना, इसको जीरो करना पड़ेगा, इसको जीरो कर दिया, हो गया जीरो। अभी तो इसका झोले का भी जीरो हो गया ना, हाँ रख दो, वो तो नेट हो गया, वजन नेट आ जाएगा। ये 1165 ग्राम है तो ये नेट है वजन, क्योंकि झोले का लेस हो गया था ना, जीरो कर दिया था आपने, चलो तो ये टोटल 1165 ग्राम है, ठीक है। तो काम करेंगे वजन। तो भाइयों आपने देखा, मैंने दो मुर्गों का आपको वजन दिखाया है। तो ये जो है आज 23वां दिन है, मॉर्निंग का टाइम है और 23 दिन पे 1100 कितना था, 1165 था और एक का 1100 ग्राम था वजन दोनों का। तो कुल मिला के अभी एवरेज ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है हमारा, 23वें दिन मॉर्निंग का है। तो कुल मिला के जैसे शाम तक जो है यही वजन जो है आज 23 दिन अगर कंप्लीट बोलेंगे तो ये 1200 ग्राम का करीब करीब हो जाएगा हमारा चिक्स जो है, आज 1200 ग्राम का हो जाएगा नेट इवनिंग तक। तो बाकी आपको इसमें ये बड़े मुर्गे का वजन है, क्योंकि कुछ छोटे मुर्गे भी होते हैं, जैसे अब कोई भी मुर्गा लीजिए आप, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़े छोटे के हिसाब से ही मुर्गे होते हैं। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑल टोटल मेरा एवरेज इतना गिर रहा है, एवरेज इतना नहीं गिर रहा है, एवरेज कम ही है। बाकी चिक्स अच्छे चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। बाकी मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ XCR को लेकर और इंटीग्रेशन को लेकर के, जो इंटीग्रेशन में लोग काम करते हैं, क्योंकि जो फार्मर होते हैं तो वो दो तरीके से काम करते हैं। एक तो काम करते हैं कि अपना खुद का चिक्स डालते हैं, खुद के बच्चे होते हैं, और कुछ लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेबर रेट पे जो है काम करते हैं, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अभी मैं UP से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में 10 कंपनियाँ हैं जो कि लोगों को प्रोवाइड करते हैं काम। इसमें एक फ़ायदा होता है कि जैसे अगर हम कंपनी का काम करते हैं तो उसमें हमारा जो है बेनिफिट होना ही होना होता है, मतलब नुकसान नहीं होगा आपको। अगर नुकसान खुदा ना खास्ता हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको मजदूरी के पैसे मिल जाते हैं उसमें इंटीग्रेशन में। और अगर आप अपना डालते हैं तो उसमें रिस्क ये रहता है कि अगर प्राइस अच्छा है कर गया तो आपको बहुत अच्छा वो मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। बट अगर आपका प्राइस नहीं मिला, मार्केट डाउन रही, तो आपका नुकसान भी हो जाएगा। मैंने फर्स्ट चिक्स जो अपने डाले थे तो मैंने अपने ही चिक्स डाले थे बजाय कंपनी के। तो उस टाइम पे रक्षाबंधन का टाइम था, पिछले साल की बात है, तो रक्षाबंधन के टाइम पे मैंने चिक्स डाले थे। तो मेरा जो प्राइस रहा था, मेरी 75 रुपीज़ की लागत आई थी अपने चिक्स डालने में, क्योंकि दाना मैंने खुद का ख़रीदा था, चिक्स मेरे खुद के थे, 27 रुपये में मैंने चिक्स ख़रीदा था उस टाइम पे। और टोटल कुल मिला के रक्षाबंधन के टाइम मार्केट डाउन हो गई और प्राइस जो है 60 रुपये में बिका था, मेरा जो चिक्स बिका था वो 60 रुपये में बिका था, 60 रुपीज़ में। तो आप देख सकते हैं कि मुझे पर किलोग्राम 15 रुपये का नुकसान हुआ था अप्रॉक्सीमेटली, और मेहनत जो गई थी वो अलग गई थी। तो उसमें क्या है, मैंने वहीं से सीख ले लिया कि इस साल भर में शायद ही एक दो चार महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे हम अपना चिक्स डाल के बेनिफिट उठा सकते हैं, इसके अलावा कंपनी का काम करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ से आपको एक फिक्स प्राइस मिल जाता है, जिससे कि अगर आप सही से अगर फार्मिंग करेंगे तो आपको एक फ़िक्स अमाउंट भी मिलेगा, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है। और तो इसीलिए मैं तब से इंटीग्रेशन में ही काम कर रहा हूँ और कंपनी का ही चिक्स डालता हूँ।
बट ये हर कोई कंपनी में भी जो है इंटीग्रेशन में भी हर कोई फ़ायदा नहीं उठा पाता है। उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके से मैं चलूँ इसको, किस तरीके से डे बाई डे चलना पड़ता है, किस तरीके से मैं उसको फॉलो करूँ कि नुकसान ना हो अपना फ़ायदा हो जाए। तो इस तरीके का है, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा जल्दी ही इंटीग्रेशन पे, जिसमें कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको। हो सकता है वो जानकारी थोड़ी सी लंबी हो जाए, एक दो वीडियो में पार्ट में हो जाएगी, तो मैं ज़रूर जल्दी ही उसका एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, धन्यवाद।